पर्ची नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ वोट करेंगे, बनाना को वोट किया है तो देखिए बनाना दिख रहा है। ओके ओके, अभी कुछ दिख रहा है जी? नहीं अभी नहीं। तो वोटर ने वोट दिया, बनाना को चला गया। अब दूसरा वोटर आता है, वो भी मान लीजिए बनाना को वोट करता है, क्या देख रहे हैं वोटर? बनाना दिख रहा है। दो लोगों ने बनाना को वोट किया है। ओके, अब मान लीजिए तीसरा वोटर आता है और तीसरा वोटर आके अब वाटरमेलन को वोट करता है, मान लीजिए, तो ये तीसरे वोटर ने वाटरमेलन को वोट किया, देखिए क्या दिख रहा है? वाटरमेलन। तो तीसरे वोटर ने वाटरमेलन देखा, वो चला गया। अब मान लीजिए चौथा वोटर आता है, चौथा वोटर भी वाटरमेलन को वोट करता है, ये वाटरमेलन को वोट किया। अब देखिए चौथे वोटर को क्या दिख रहा है? वाटरमेलन। तो चारों वोटर ने जो सिंबल दिखाया उन्होंने देख लिया। अब हम देखेंगे इसमें से चार पर्ची निकलना चाहिए, दो वाटरमेलन का और दो बनाना का, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले से कोई पर्ची नहीं थी, हमने देख लिया था ना, बराबर। ये देखिए यहाँ पे कैमरे दो एप्पल, दो एप्पल को किसी ने वोट नहीं दिया है, किसी ने पर्ची नहीं देखी है एप्पल की, लेकिन चुनाव जीता है एप्पल। ओके, अब आप अगर काउंटिंग यूनिट से मैच करेंगे पर्चियों की, तो पर्चियां भी मैच कर दी, मतलब कागज का वोट भी चोरी हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोट भी चोरी हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोट वही जाएगा जो कागज का छपेगा। ईवीएम हटाओ सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम मशीन के बहुचर्चित डेमो मॉडल को प्रदर्शित कर विरोध किया गया। मुंबई में ईवीएम हटाओ सेना के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान राइट टू रिकॉल पार्टी अध्यक्ष आईआईटी इंजीनियर राहुल मेहता द्वारा आविष्कृत ईवीएम मशीन के बहुचर्चित डेमो मॉडल को प्रदर्शित किया गया और दिखाया गया कि किस तरह ईवीएम में लगे काले कांच के द्वारा कागज के वोटों की चोरी संभव है। इस डेमो का प्रदर्शन ईवीएम हटाओ सेना के प्रभारी पवन जूरी के द्वारा किया गया। डेमो के दौरान पवन जूरी ने बताया कि वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटों की चोरी साबित हुई और इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग द्वारा वीवीपीएटी मशीन को लाया गया ताकि चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे और उसके बाद से भारत में वीवीपीएटी मशीन का उपयोग किया जाने लगा। परंतु जून 2017 में चुनाव आयोग ने सभी वीवीपीएटी मशीनों में लगे पारदर्शी कांच को हटाकर उसकी जगह काला कांच लगा दिया और वीवीपीएटी में जलने वाली लाइट की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड कर दिया गया। इसके बाद से ही वीवीपीएटी द्वारा कागज के वोटों की चोरी संभव है। पवन जूरी ने ईवीएम की डेमो मशीन में कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा दो वोट क्रमशः सेब, केला और तरबूज चिन्हों को दिलवाए और उसके बाद वीवीपीएटी को खोल कर दिखाया तो उसमें सेब की चार पर्ची तथा केला और तरबूज चिन्हों की क्रमशः एक एक पर्ची निकली। इसे देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। इसके पश्चात पवन जूरी ने वोटों की इस हेराफेरी का जिम्मेदार वीवीपैट में लगे काले कांच को बताया। उन्होंने कहा कि उनकी चुनाव आयोग से मांग है कि आने वाले लोकसभा में चुनाव में बूथ में बैलेट पेपर भी रखवाए जाए ताकि जिन मतदाताओं को ईवीएम पर अब भरोसा नहीं है वो बैलेट पेपर से मतदान कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पूर्ण रूप से ईवीएम को भारत में बंद करवाने के पक्षधर है। गौरतलब है कि ईवीएम हटाओ सेना के प्रभारी पवन जूरी द्वारा इस वर्ष 6 जनवरी को जंतर मंतर दिल्ली में इसी ईवीएम मशीन का डेमो दिया गया था, जिसके वीडियो ने देश भर में ईवीएम के खिलाफ एक लहर खड़ी कर दी थी। उसके बाद ही कई संगठन आगे आए और ईवीएम हटाने के आंदोलन को गति मिली। कार्यक्रम के अंत में ईवीएम हटाओ सेना के महाराष्ट्र प्रभारी अमित उपाध्याय ने बताया कि देश भर की 50 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों ने उनकी इस मांग का समर्थन किया है और चुनाव आयोग को पत्र भेजकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं हेतु बूथ में बैलेट पेपर भी रखवाए जाने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय पर देश भर इस तरह से और भी शहरों में ईवीएम डेमो प्रदर्शित किए जाएंगे और ईवीएम को भारत में पूरी तरह से बंद करवाना ही उनका लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में सहप्रभारी यक्षित पटेल सहित कई ईवीएम विरोधी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वीवीपैट में 2017 से जो दो बदलाव हुए, सफेद कांच को काला किया गया और लाइट की अवधि 15 सेकंड से 8 सेकंड की गई। उसके बाद में कागज के वोटों में हेरा फेरी होना संभव है, वो अभी मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। इसके मद्देनजर हम ये मांग कर रहे हैं कि या तो ईवीएम पूरी तरह से हटाई जाए या फिर कम से कम पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ वोट बैलेट पेपर भी रखा जाए। लोकसभा चुनाव सामने है, ये दोनों में से कोई एक मांग को लोकसभा चुनाव से पहले पहले
चुनाव आयोग को मंजूर करना चाहिए ताकि वोटर के पास में विकल्प रहे। ईवीएम के लिए कब से काम कर रहे हैं आप? हमें 4 साल हो गए हैं। ये पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन हमने 2019 में कर दिया था। राहुल चिमन भाई मेहता जो कि जिन्होंने इस तरीके को खोजा, उन्होंने 2019 में इसको शुरू कर दिया था और तब से हम लगातार नागरिकों के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कांच के काला को काला होने के बाद कैसे कागज का वोट चोरी हो सकता है। अभी कहा कि लोकसभा चुनाव एकदम करीब आ गए हैं, तो लोकसभा चुनाव के करीब आते ही आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसकी वजह क्या है? देखिए, मुंबई हम पहली बार आए, लेकिन दिल्ली में हम लगातार कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर वहाँ पे हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था 6 जनवरी को, और उसके बाद से दिल्ली के में हमने 5-7 प्रोग्राम और किए। जयपुर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पिछले महीने 15 तारीख को, और अभी यहाँ पे आना हुआ। तो हमारी तरफ से हमारे जितने संसाधन और हमारी परास है उसके अंदर हम पूरे भारत भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से आपने किस क्या मांग की है? इलेक्शन कमीशन को हटाओ की मांग की है या ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों होना चाहिए? ईवीएम इलेक्शन कमीशन को हम पिछले 4 साल से पत्र भेज रहे हैं ईवीएम हटाओ, लेकिन अभी हमने ये पत्र भी भेजना शुरू किया है कि यदि आप ईवीएम पूरी तरह नहीं हटाते हैं तो कम से कम वोटर को अभी विकल्प दीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने, इसलिए इसे इस मुद्दे को सीरियसली तुरंत पुटअप होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिप्लाई आया आपको? इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। तो आगे आपकी क्या रणनीति, आप क्या करने वाले हैं? हम मास मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं भारत भर के अंदर। हम अपनी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये काले कांच का डेमोन्स्ट्रेशन पहुंचा सकें, क्योंकि इसको बोल के हम किसी को समझा नहीं सकते हैं कि कागज का वोट कैसे चोरी होता है। तो उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मास मूवमेंट खड़ी हो। दूसरा, हम ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों को संपर्क कर रहे हैं और उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप भी इलेक्शन कमीशन को इस बाबत का पत्र भेजिए कि इलेक्शन की बैलेट पेपर लाए, ईवीएम हटाए, या फिर कम से कम पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर। कांग्रेस आपके समर्थन में है? कांग्रेस जो है उनका जो प्रपोजल है इसके लिए, उन्होंने रखा है कि इसमें जो पर्ची निकलता है वीवीपैट का, वो वोटर के हाथ में देना चाहिए। हमारे विचार में इस ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि इसके लिए रीडिजाइन करना पड़ेगा 12 लाख वीवीपैट को, जो कि मुमकिन नहीं है। तो हम उस प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये डीडी है। हमने चुनाव आयोग से उनको हमने कई पत्र लिखे हैं कि हमें एक मशीन वीवीपैट की देनी दे वो, ताकि हम उसके अंदर ये प्रदर्शित कर सकें कि क्या इसमें ये लूप होल है वो किस तरीके से काम करेगा। तो उसके लिए पत्र लिखे हैं। साथ ही हमने उसकी जो कॉस्ट होती है, बेसिक कॉस्ट 40,000 रुपया होती है, तो हमने वो 40,000 का डीडी भी उन्हें भेजा है। तो साफ जाहिर होता है सर कि कहीं ना कहीं आप खुद भी चाहते हो कि ईवीएम भी रहना चाहिए और बैलेट पेपर देना। नहीं नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम ये चाहते हैं, हमारी दोनों मांगे हैं। पहली मांग जो कि हम 5 साल से रख रहे हैं लगातार, कि ईवीएम है उसे हटा के बैलेट पेपर पे लौट आना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए, क्योंकि भारत में जैसे ईवीएम के विरोधी हैं वैसे सपोर्टर भी हैं, तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम ये प्रपोजल पे भी राजी हैं कि ठीक है, आप वीवीपैट के साथ में पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रख सकते हैं। सर, एक बात ऐसी है कि इस मशीन में ज्यादा से ज्यादा कितने उम्मीदवारों का डाटा फिट किया जा सकता है? अगर उसमें एक सर्टन है कि जैसे 99 ही उम्मीदवार रख सकते हैं, 100 उम्मीदवार इसमें नहीं फिट हो सकता है, तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अपक्ष उसमें उम्मीदवार करके खड़ा हो जाए, तो ताकि टेक्निकली उनको बैलेट पेपर ही प्रिंट करना पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन एक ही महीना है तो हम ये जन जागृति क्यों नहीं कर सकते कि अगर 99 ही अगर इसमें फिट हो सकता है डाटा, 100 उम्मीदवार का डाटा ईवीएम मशीन में नहीं आ सकता है, तो हम लोग 110 उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर सकते जो उसमें से अपेक्षा ज्यादा हो जाए? देखिए, हम क्या नुकसान होगा, अपक्षों को खुद का वोट भी गिर सकता है या नहीं भी गिर सकता है। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मेरा, मैं उम्मीदवार खड़ा हूँ, मेरा ही वोट मुझे नहीं आया, मेरे फैमिली का वोट भी मुझे नहीं आया, ये हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, इसमें प्रॉब्लम खुद का वोट इसमें नहीं आ रहा है, तो एक महीने के पीरियड में हम ये जन जागृति क्यों नहीं कर सकते? नहीं, उसमें प्रॉब्लम है संसाधनों की। एक सीट के ऊपर 100 उम्मीदवार, एक सीट के ऊपर 25,000 का डिपॉजिट अमाउंट खड़ा हो तो लगता है, तो एक सीट के ऊपर भी आप उसको गुना करिए तो काफी सारा पैसा हो रहा है, उतना पैसा
मतलब है कि हमारे रीच में नहीं है 25 लाख रुपया डिपॉजिट अमाउंट के लिए खर्च करना, और ऐसा अगर 100 सीटों पे करना है तो करोड़ों में चाहिए। हमारे उतनी बड़ी पार्टी ऐसा कर सकती है, इसके आंकड़े हैं। लास्ट सवाल है, बड़ी पार्टी ऐसा कर सकती है। इसका एक आंकड़ा दे दूं मैं 10 सेकंड में, इसका आंकड़ा दे दूं, 384 मैक्सिमम खड़े किए जा सकते हैं, और 384 के हिसाब से अगर हम लोग डिपॉजिट बना पकड़ लें और जो खड़ा करने के लिए 10,000 तक का खर्चा पकड़े, तो 50 लाख रुपया एक लोकसभा सीट का लगभग खर्चा हो जाएगा। 400 कैंडिडेट खड़ा करने, 384 जो है वो लगेंगे ईवीएम मशीन को हटाकर इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ पर लेके आने के लिए कि भाई वो बैलेट पेपर से करें। तो 384 की जगह हम 400 पकड़ लेते, अब 400 का 50 लाख तक खर्चा आएगा। अब हम जैसे लोगों से एक सीट पे कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां ऐसा कर सकती है, पर हमारे संसाधनों में नहीं। अभी 43 पार्टीज हैं जिन्होंने इसका समर्थ, ये इस मांग के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ गठबंधन, और हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, और लगातार दूसरी और पार्टियां भी इसके अंदर जुड़ती जा रही है। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, हाँ, ईवीएम हटाओ सेना ये हमारा संगठन है जिसके तहत हम काम करते हैं, और ईवीएम हटाओ गठबंधन ये हमारी जैसी अन्य सभी पार्टियों का जो ईवीएम को हटाने में काम इंटरेस्टेड है उन सबका हमारा ये गठबंधन है। Okay, thank you.